बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 28 अगस्त, जुमातुल मुबारक का बबरकत दिन, और आज हमें बात करना है क्या सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सिंध में गवर्नर राज का नफाज अब मुकम्मल तौर पर अदालती स्वाबदीद पर है। सिंध में क्या होने जा रहा है? क्या सिंध में 2008 से बरसर इकतदार पार्टी के इकतदार का सूरज ग्रुप होने का हो? तफसील से इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान को मरियम नवाज का संदेशा पहुंचा है कि वो उनके घर में आके मरियम नवाज से मुलाकात करें। पहले इसकी बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान पहले ही ये तजवीज़ दे चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ, जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त सरबराह हैं और पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, वो अगर इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए यकसू और आमादा नज़र नहीं आ रहे और फ्रंट फुट पे आके अपोजिशन की क़यादत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो नून लीग अपने अंदर में से किसी लीडर को शहबाज शरीफ को तब्दील करते हुए अपना सरबराह मुकर्रर करा ले, जो फिर इस मुजफ्फरा तहरीक की क़यादत करे। लेकिन अब मौलाना ये अच्छी तरह जानते हैं कि नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में और अदालत की तरफ से ताहियात उनकी नाहली और मुजरम डिक्लेयर करने के बाद फिल वक्त अरकान पार्लियामेंट की एक बारी अक्सरियत जो नून लीग से वाबस्ता है वो शहबाज शरीफ के साथ है, शहबाज शरीफ के बयान को सपोर्ट करती है, और शहबाज शरीफ का बयानिया चूँकि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और नवाज शरीफ और मरियम सफदरवान का बयानिया बज़ाहर एंटी एस्टेब्लिशमेंट लगता है, तो वो लोग जो नून लीग को जानते हैं, नून लीग के करीब रहे हैं, उनका कहना ये है कि नून लीग हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी रही है और हमेशा ही वो एस्टेब्लिशमेंट के तआवुन और मदद के ज़रिए से इक्तदार पे आई है। दो तिहाई अक्सरियत भी उसे ऐसे ही मिली थी, और जो ही उसने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इकदाम की कोशिश की तो फिर उसे इक्तदार से हाथ धोना पड़े। ये बयानिया नून लीग का है, हालांकि इकतदार से हाथ धोना पड़े थे उन्हें अपनी करप्शन की वजह से, अपनी नाहली की वजह से, जो अदालत में उन्हें ताहयात नाहल किया गया था नवाज शरीफ को, और फिर उन्हें मुजरम डिक्लेयर करके जेल की सजा भी सुनाई गई थी। अब वो मुसलमा मुजरम हैं, अदालत की नज़र में सजा याफ्ता हैं, ताहियात नहल हैं, लेकिन नवाज का बयानिया, मरियम नवाज का बयानिया यही है कि उन्हें किसी की मुखालफत की वजह से ये दिन देखने पड़े। तो मौलाना फजल रहमान अच्छी तरह से जानते हैं कि चूँकि अरकान पार्लियामेंट तो सारे के सारे नून लीग से वाबस्ता शहबाज शरीफ के साथ हैं, उसके बयाने के साथ खड़े हैं, और नून लीग के मजाज के एन मुताबिक प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, लिहाजा वो इस मुतालबे के बावजूद कि नवाज अगर क़यादत नहीं करेंगे खुल के इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक की तो किसी और को लीडर बनाया जाए, लेकिन ये बातें वो सिर्फ प्रेशर डालने के लिए करते हैं, शहबाज शरीफ को मजबूर करने के लिए करते हैं कि वो खुल के सामने आएँ और क़यादत करें उस तहरीक की
जो मौलाना फजलुर रहमान के जहन के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत को बदलने पे कादिर हो। लिहाजा वो किसी सूरत भी मरियम नवाज के घर जाकर उनसे मुलाकात के लिए आमादा और तैयार नज़र नहीं आते, क्योंकि इसे वो अपनी सियासी हिकमत अमली के मुनाफी समझते हैं और वो समझते हैं कि इस तरह से ये नज़र आएगा कि उन्होंने सारा अपना वजन मरियम नवाज सफ्तर के पलड़े में डाल दिया है और फिर इस तरह से नून लीग से वाबस्ता अरकान असम्बली की एक भारी अक्सरियत के दिलों में वो अपने लिए एक तनाव और मुखालफत पैदा करने का बायस बनेंगे। लिहाजा वो बयान देते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा वो असम्बली से बाहर हैं और ऐसे ही हैं जैसे माहिए ब्याह और उनकी तड़प देखने के काबिल है। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी पे एतमाद करके पहले देख चुके हैं दिसंबर धरने में उनके साथ क्या किया गया। हर तरह से तावन और मदद और मुआवनत का वादा करके उन्हें क्यादत का बोझ उनके नातवां कंधों पे डाल दिया गया और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ और जो हजीमत उन्हें उठाना पड़ी वो आज तक उसकी टीसें महसूस करते आ रहे हैं। लिहाजा वो मरियम नवाज के जांसे में लगता है कि नहीं आएंगे और इस तरह से मरियम नवाज की ये कोशिश उसकी पहले की गई कोशिशों की तरह बिल्कुल नाकाम होती हुई नजर आ रही है। सिंध में गवर्नर आज के इन्फाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर अला सिंध और गवर्नर सिंध को फरीक बनाया गया है और सुबह सिंध में दिन ब दिन हालात की खराब होती हुई नोयत की वजह से और अवामी मुश्किल में मुसलसल इजाफा और सिंध हुकूमत की तरफ से उन पर काबू पाने में नाकामी की वजह से सिंध में गवर्नर राज को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया गया है और इस तरह से सिंध में गवर्नर राज का बाल अब लगता है कि कोर्ट की ग्राउंड में है और अब सियासतदानों ने अपना सारा कुछ कोर्ट की स्वाबदीद पे छोड़ दिया है। सियासी फैसले भी अब वो चाहते हैं कि अदालतें करें, तो अब लगता है कि अदालत ही इस बात का फैसला करेगी कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। सिंध भर में और बिलखसूस कराची जो सिंध का कैपिटल है, बुरहान इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सिंध की हुकूमत और वो हुकूमत है जिस पर करप्शन के पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम हैं और बैड गवर्निस का रिकॉर्ड भी सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तोड़ रखा है। सिंध की हुक्मरान पार्टी के लीडर आसिफ जरदारी मुसलसल करप्शन के हवाले से पेशियां भुगत रहे हैं। अंदरूनी सिंध अवाम का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता। थर में सैकड़ों बच्चे गजाई किल्लत की वजह से मरते आ रहे हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। साफ पानी, पीने का पानी साफ तो क्या, ना साफ पानी भी थर के बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा। कुत्तों के काटने की वैक्सीन का मामला भी सिंध में एक बुरानी कैफियत पैदा किए हुए हैं और पीपल्स पार्टी को भी ये चाहिए था कि वो हमेशा 18वीं तरमीम
की खुलकर हमायत करती नजर आती है, और ये समझ लिया कि 18वीं तरमीम ने सूबों को वफाक से ज़्यादा इख्तियार दे दिए हैं और इस तरह से वफाक के पास बहुत कम इख्तियार रह गए हैं। 18वीं तरमीम की हमायत भी वो इसी तनाजर में करती है कि वफाक उन इख्तियार में से फिर कुछ इख्तियार वापस ना ले ले। लेकिन वफाक के खिलाफ इतना दूर तक जाके 18वीं तरमीम की हिमायत करने वाली पार्टी, अगर उसके अमल देखे जाएं तो वो दस्तूर में दफ़ा 140 के तहत सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियार बल्दियात के हवाले करने के लिए तैयार नहीं। किसी को भी अपने इख्तियार में हिस्सादार बनाने के लिए तैयार नहीं, और चूंकि इख्तियार की मरकजियत की आदी है लिहाजा पूरे सूबे में नज़्म व नस्क बदतरीन सूरत हाल से दोचार है। हर शोबा, हर मामला अपनी बदतरी के अरूज पे, और पीपल्स पार्टी का ये रवैया कि इख्तियार में किसी को भी शामिल नहीं करना चाहे वो बल्दियाती नुमाइंदे ही क्यों ना हो, ये 18वीं तरमीम पर उसके स्टैंड के बिल्कुल मुनाफी है। और ये अजीब सी मुनाफ़कत है कि वफाक को तो ये कहते हैं कि इख्तियार सूबों के हवाले किए जाएं, और फिर जो इख्तियार मिल जाते हैं इस वादे पे कि हम वो नीचे तक इख्तियार पहुंचाएंगे, तो वो खुद ही उनके ऊपर सांप बनकर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं और आवाम तक उन इख्तियार को पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर देते हैं। ये सूरत हाल देखते हुए और ख़ासतौर पे कराची में जो कुछ हो रहा है, बारिशों ने सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस की, बदतरीन गवर्नेंस की, पूरी कौम पे यहाँ कर दिया है, उसकी कली खोल के रख दी है, उसे ज़रा भर शर्म महसूस नहीं हो रही। लोगों के घर कई कई फुट पानी से भरे हुए हैं, मसाजिद में गंदा पानी है, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, ट्रांसपोर्टेशन बुरी तरह से बंद है, बिजली का निज़ाम वो सीधा तरीन हो रहा है, दर्जनों लोग करंट लगने से मरते हुए नज़र आ रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट फिर भी इख्तियार लोकल काउंसिल्स के हवाले करने के लिए तैयार नहीं। और वफाक के साथ अजीब उसने फड्डा डाला हुआ है, सर फटोल है, अजीब तनाव है। अगर बालातर कुवतों ने सिंध गवर्नमेंट को और वफाक को एक जगह पे बैठा दिया है मामलात के हल के लिए, तो लगता ये है कि सिंध गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर सिंध के वज़ीर आला इस पे भी खुश नज़र नहीं आते और दिल से इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। कराची में बदतरीन सूरत हाल और हैदराबाद में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल ने लगता है कि मामला सिंध की सूबाई हुकूमत के हाथों से खिसकना शुरू हो गए। बिलावल जरदारी के वफाक के खिलाफ शदीद तरीन बयान भी इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे, और लगता ये है कि सोचने समझने वाले हल्के अब सिंध के हुक्मरानों से शदीद मायूस होते चले जा रहे हैं, और जल्द या बदेर सिंध की इस नाहल हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठता हुआ नजर आ रहा है, और शायद ये अदालत में केस भी इसीलिए किया गया है ताकि अदालत से अगर गवर्नर आज के हक में फैसला आ जाए तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और अहम खबर के साथ नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।